यूक्रेन में जिस हवाई रूट पर मलेशियाई विमान पर हमला हुआ उसी हवाई रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को जर्मनी से भारत लौटना था। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लेन को उसी रूट के जरिए एक घंटे बाद गुजरना था, लेकिन हमले की खबर के बाद उनका रूट बदल दिया गया, विमान को रीरूट किया गया। नरेंद्र मोदी के प्लेन ने हमले से दो घंटे पहले बर्लिन से उड़ान भरी थी। तो जब यह हादसा हुआ, जब यह घटना हुई, उसके एक घंटे बाद इसी रूट के जरिए प्रधानमंत्री को वापस, वो स्वदेश लौट रहे थे ब्रिक्स सम्मेलन से, ब्राजील से वो वापस लौट रहे थे, फ्रैंकफर्ट से उनकी फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और वो इसी रूट के जरिए वापस आ रहे थे। लेकिन जब इस घटना की जानकारी मिली तो उनके प्लेन को, उनके एयरक्राफ्ट को रीरूट किया गया। बात करते हैं वरिष्ठ संवाददाता राकेश कुमार सिंह से। राकेश, जानकारी मिली उसके बाद रीरूट किया गया पीएम के विमान को? देखिए, जिस तरह से MH17 विमान को, जो कि मलेशिया एयरलाइंस विमान को, जिस तरह से हादसा हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि ब्रिक्स सम्मेलन से वापस भारत लौट रहे थे, उनके रूट वही था, एक घंटे बाद उसी रूट से होकर उनको भारत पहुंचना था, लेकिन जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उसको रीरूट किया गया और उस रूट को बदला गया। जी बिल्कुल राकेश, जब यह खबर मिली होगी तब बड़ी ही चिंता की बात होगी, क्योंकि ये शक लगातार जाहिर किया जा रहा था कि अलगाववादियों ने निशाना बनाया इस विमान को। ऐसे में इस तरह से प्रधानमंत्री का विमान उसी रूट के जरिए भारत आ रहा था, ऐसे में बहुत ही चिंता बढ़ गई होगी। देखिए, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता हड़कंप मच गई थी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी रूट से वापस लौटना था और उसके बाद पूरे उनके जो रूट था उसको रीरूट किया गया, फिर से उनको डाइवर्ट किया गया, जो यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर से गुजरना था उसको रीरूट किया गया और दूसरे रूट से उन्हें दिल्ली लाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश पूरी जानकारी देने के लिए। तो मलेशिया के यात्री विमान MH17 पर कल एक हमला हुआ, ऐसा शक अभी भी जताया जा रहा है इसके बारे में। हालांकि पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन शक यही है कि रूसी अलगाववादियों ने इस पर सरफेस टू एयर मिसाइल से हमला किया और इस घटना में 285 यात्रियों की मौत हो गई। इसमें 15 क्रू मेंबर्स भी थे और 80 बच्चे भी थे इस विमान में। माफ कीजिएगा, 295 लोगों की मौत हुई, जिसमें 283 यात्री सवार थे और 15 क्रू मेंबर्स थे। और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि अलग अलग देशों से कितने यात्री थे। अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिल पाई है, जो जानकारी मिल पाई है, उसके मुताबिक ये तमाम लोग थे अलग अलग देशों के, लेकिन अभी भी कुछ यात्री ऐसे थे जिनके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है कि वो किन देशों के थे।